नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। आपके साथ मैं हूँ रेणु कैलाश। नमस्कार, मैं हूँ भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय। तो आइए शुरुआत करें आपके अपने शो जिसका नाम है हरियाणा की आवाज। पंद्रह अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सभी सांसदों को एक गांव गोद लेकर आदर्श गांव बनाने की नसीहत दी थी, लेकिन ये सांसद अपने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कितना मानते हैं, इसका अंदाजा हरियाणा के गांवों से लगाया जा सकता है, जहां मूलभूत सुविधाओं के लिए भी लोग तरसते हैं लेकिन सांसद हैं कि उनके पास जनता की सुध लेने का समय तक नहीं है। ऐसे में इन सांसदों के बारे में आप क्या सोचते हैं, दीजिए अपनी राय। और यही है हमारा आज का सवाल, क्या लोगों के विकास से ज्यादा अपने विकास की चिंता है इन सांसदों को। रिंकू हमारे साथ जुड़ गए, रेणु यहाँ पर सिरसा से। रिंकू जी नमस्कार। नमस्कार सर। पहले तो मैं सर क्राइम न्यूज को बधाई देना चाहता हूँ जो जनता की आवाज को उठाती है, जनता की आवाज को सरकार के सामने रखती है। जी बताएं रिंकू जी। हाँ जी, सबसे पहले तो यह कहना चाहता हूँ जो हरियाणा के अंदर गुलाबी गैंग सरकार का प्रकोप है, उठाना हुआ, उसे खत्म करना हुआ सर। इस सरकार ने हमारे शिक्षा जिला को रोहतक से कम 50 दूर कर रखा है सर। जी 50 साल पीछे हमारा शिक्षा जिला, आप देखो बारिश के मौसम में आपको पता होगा। दरअसल हमारा सवाल ये है कि सांसदों को अपने विकास, अपने जो जनता है उसके विकास से ज्यादा अपनी चिंता है, इस पर आप अपनी राय दीजिए। हाँ जी, अपनी चिंता तो मैडम जब तक ये सरकार है, प्रदेश की सरकार सूंद नहीं लेगी हमारी, तो सांसद क्या करेंगे। प्रदेश की सरकार का पहले फर्ज बनता है, केंद्र का बाद में बनता है, पहले प्रदेश की सरकार हमारी सूंद लेगी। ये गुलाबी गैंग सरकार है जी, गुलाबी गैंग सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को आज का सवाल हम बता देते हैं। दरअसल सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि प्रत्येक सांसद अपने हलके के एक गांव को गोद ले, उसका विकास कराए, उसको निर्मल ग्राम बनाए, लेकिन ये सांसद हरियाणा में बिल्कुल भी निष्क्रिय, कह सकते हैं आपको सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे, बिल्कुल निष्क्रिय दिखाई दे रहे हैं। अभी तक किसी भी सांसद ने किसी भी गांव को गोद नहीं लिया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इन सांसदों को आम जनता से ज्यादा अपने विकास की चिंता है, दीजिए इस मुद्दे पर अपनी राय। लगातार जो नंबर है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अम्बाला से अमित इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी नमस्कार। अमित जी गुजारिश है अपने टीवी का जो वॉल्यूम है उसे कम करें। अमित सॉरी, संपर्क अमित से यहाँ पर स्थापित करना मुमकिन नहीं हो पाया। एक बार फिर से रेणु अपने सभी दर्शकों से अपील और अनुरोध दोनों हम करेंगे कि अपनी टीवी की वॉल्यूम आप हमेशा कम रखिए, टीवी सुनकर आंसर ना करें। जब भी अपनी राय हम तक पहुंचाने की कोशिश आप करते हैं, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाती, टीवी के वॉल्यूम का बढ़ना है जी। अगले कॉलर हमारे साथ विजेंद्र जुड़ गए। विजेंद्र जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, मैं रेवाड़ी हरियाणा से बोल रहा था सर। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप हमारे कॉलर को जनता के आगे रखते हैं जी। हाँ जी, और रही बात सांसद की है, देखो हरियाणा में सारे सांसद एक जैसे नहीं है, ठीक है ना। कुछ अपनी जनता के प्रति सोचते हैं और कुछ ये सोचते हैं कि पहले तो अपनी कुर्सी के बारे में सोचते हैं, जस्ट लाइक कि इन्होंने पार्टी छोड़ी सांसद होने, समझ रहे हैं ना जी। हेलो जी, ठीक है ना। जैसे कि कुछ पार्टी कुर्सी के चक्कर में सांसदों ने पार्टी छोड़ी, उनको लगता था कि इस बार हमारी यहाँ पर सीटें नहीं, बजे हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। और दूसरी बात, कुछ ऐसे लॉयल है अपनी जनता के प्रति जो आज भी जनता से इतने जुड़े हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी नहीं छोड़ी। शुक्रिया विजेंद्र आपका। तो दोनों ही तरह के लोग, दोनों ही तरह के सांसद मौजूद है, लेकिन उन सांसदों की बात हो रही है जिनको नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ये कहा था कि एक गांव को गोद लिया जाए, उसको आदर्श बनाने की कोशिश की जाए ताकि वो मिसाल आसपास के गांव। नवीन हमारे साथ भिवानी से अगले दर्शक जुड़ रहे हैं। नवीन जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या राय है आज के मुद्दे पर आपकी। नवीन जी आवाज मिल रही है आपको, तो लगता है कि संपर्क नहीं हो पाया। एक बार फिर से अपने दर्शकों को आज का मुद्दा बता दें। दरअसल आज का मुद्दा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक सांसद से ये कहा था कि वो एक गांव को गोद लें, उसे निर्मल ग्राम बनाए, लेकिन हरियाणा में उनकी ये नसीहत लगता है काम नहीं कर रही है। इस बीच हमारे साथ हमारे अगले दर्शक जुड़ रहे हैं मुकेश। मुकेश जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या राय है आज के मुद्दे पर।
चिंता सता रही है सांसदों को, अपनों की चिंता सता रही है। इस सवाल को भी हमने साथ साथ हरियाणा की आवाज के इस मंच पर उठाया है। अपनी राय देने के लिए आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर्स पर हमें फोन कर सकते हैं, बता सकते हैं आखिर क्या कुछ राय आप रखते हैं। जी अंबाला का रुख कर लेते हैं, सर्वजीत हमारे साथ हमारे अगले दर्शक जुड़ रहे हैं। सर्वजीत जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या राय है आज के मुद्दे पर आपकी। हाँ जी मैम। जी सर्वजीत जी बताएं। हाँ जी हाँ जी मैम, हम आपको सुन रहे हैं। जी बताएं। जी सर्वजीत जी आवाज आ रही है आपकी। हमारे अम्बाला ये तो अपनी अच्छी हरकतों पे आ गए हैं जी, इनके लिए तो इन्होंने काम तो करने नहीं है और बयानबाजी कर रहे हैं, काम पे इनका ध्यान नहीं, अपने पत्नी को ये टिकट दिलवाने के लिए लगे हुए हैं। बिल्कुल, चलिए सर्वजीत जी शुक्रिया आपका। तो सिर्फ ये थोथी बयानबाजी है, कोई भी सांसद जनता के जो हित है उनसे जुड़े काम नहीं कर रहा, प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। इन सब के बीच एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, हरियाणा की आवाज में आज जो हमने मुद्दा उठाया है, लॉबिंग में तमाम नेता लगे हुए हैं। बीजेपी की खासतौर पर बात करें, 5 सांसदों ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, अपने परिजनों को टिकट दिलाने के लिए गुहार दर गुहार करते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नसीहत दी थी लाल किले से उसको लेकर के कोई भी कह सकते हैं हरियाणा में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, किसी भी सांसद ने किसी भी तरीके से किसी भी गांव को गोद नहीं लिया। तो सवाल ये, क्या लोगों के विकास से ज्यादा इन सांसदों को अपनी चिंता है, यही हमारा आज। प्रमोद फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए, प्रमोद जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं इंडिया न्यूज पे ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो सांसद हैं ये अपने घर वालों को टिकट दिलाने में लगे हुए हैं, ये काम करने की तो कोई सोच ही नहीं रहा है, जनता के लिए कोई विकास के लिए काम किया जाए जी। इनके पास विकास के लिए कोई है नहीं, नरेंद्र मोदी की इन पर कोई बात का असर नहीं हो रहा है जी, ये तो अपने भाई भाई भतीजे बात। इस मंच के साथ अगले दर्शक इस वक्त वो नईम जुड़ रहे हैं गुड़गांव से। नईम जी बहुत स्वागत है सर आपका, बताएं क्या रहा है आज के मुद्दे पर आपकी। मैम एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा बस, कि अक्सर हम शिकायत करते हैं कि जो एमपीज होते हैं हमारे माननीय सांसद हैं वो विकास नहीं कराते या फिर 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। हाँ। तो इसका कहीं ना कहीं रीजन तो हम लोग भी हैं, क्योंकि आप भी जानती हैं कि एमपी को इलेक्ट किया जाता है, वो कहीं से आता नहीं है, तो वोट देने से पहले हम कभी नहीं सोचते कि किसको हम एमपी बनाकर भेज रहे हैं। बबूल का पेड़ तो हम खुद बो रहे हैं अपने आंगन में, तो विकास की उम्मीद करना बेकार है इन लोगों से जो वोट के धर्म के नाम पे लेके एमपी बनते हैं। बिल्कुल, उनसे उनको हम वोट देते भी, उनके लिए तालियां भी। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच बहादुरगढ़ से हमारे अगले दर्शक बिट्टू जुड़ रहे हैं, बिट्टू बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या रहा है आज के मुद्दे पर आपकी। हेलो जी बिट्टू बताएं। नमस्कार मैडम। नमस्कार बिट्टू जी, बताएं क्या रहा है आज के मुद्दे पर आपकी। मैं ये बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये ऐलान किया था सांसदों को, अभी तक किसी भी सांसद ने अभी ऐसा काम नहीं किया मैडम, उन्होंने ये कार्रवाई का करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री एक देश का प्रधानमंत्री होता है, चलिए बहुत शुक्रिया बिट्टू आपका। गुड़गांव से ईश्वर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, ईश्वर सिंह।
क्षेत्रों के टक्कर में रिश्मा होते हैं जी। अब जैसे हमारे गुड़गांव से राव इंद्रजीत है जी। अब क्या करें, ऐसे फंस गए इसमें कि इधर देखे मोदी को देखे तो यहाँ वोट दो, इंद्रजीत को देखे तो नहीं दो, कुल फंसी में मोदी साहब की वजह से वोट देनी पड़ी है। लेकिन इंद्रजीत बिल्कुल काम कराने वाला ना, पूरी ग्रांट इसकी कमोबेश यही राय सब जगह से आ रही है कि नरेंद्र मोदी ने भले ही वादे किए लेकिन उनके जो सांसद हैं उनकी जो टीम है उसमें कहीं ना कहीं वो बात नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, तो क्या आपके सांसद आपके सुर ले रहे हैं, क्या आपके विकास से ज्यादा उनको अपने विकास की चिंता है, यही हमारा आज का सवाल। और ब्रेक के बाद भी इसी सवाल के बारे में। पवन हमारे साथ हमारे अगले दर्शक जुड़ रहे हैं। पवन माफी जी, श्रवण है, श्रवण हमारे माफी जी का, श्रवण बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या राय है आज के मुद्दे पर आपकी। सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज का धन्यवाद करता हूँ जी, ये आपने मुहिम चलाई है जी। जी हेलो जी, बताएं सुन पा रहे हैं आपको श्रवण जी। हाँ जी, ये तो वोट के लिए आते हैं जी, इनको तो अपना ही पेट भरना है जी, इनको क्या लेना है जनता से। ये तो नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट किया था, पीएम सोलिड के लिए जी हमने तो जी। हाँ जी हाँ जी, चलिए शुक्रिया पवन श्रवण आपका। और हमारे साथ हमारे अगले दर्शक राजा जुड़ रहे हैं। राजा बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या राय है आज के इस मुद्दे पर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट कर दूं कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा मुद्दा एक ये जो है शुरू किया यहाँ पर जी। आजकल आजकल की जो राजनीति है वो सिर्फ अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए रह गई है जी। लोग ये जो आजकल के लीडर्स वगैरह होने लगे हैं ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, राधर देन इन लोगों को सोचना चाहिए जनता के बारे में। क्योंकि ये जो आजकल के पॉलिटिशियंस हैं ये लोग हम लोगों के बीच में से ही उठकर आए हैं जी। तो इन लोगों को अपने से ज्यादा जनता के बारे में सोचना चाहिए। और आजकल ये जो एक गेम सा शुरू हो गया है कि आपकी जो है तसल्ली नहीं हुई तो फिर मान लीजिए बीजेपी में चले जाइए या कांग्रेस में आ जाइए। तो ऐसे लोगों की कोई अपनी आइडियोलॉजी नहीं होती है, वाकई आइडियोलॉजी नहीं होती है और काम जो है वो पूरा नहीं कर पाते। हिसाब से अशोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जी नमस्कार, पूरी सुनना बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सांसद है हमारे हरियाणा के साथ है, ये मोदी के दरबार में जाते हैं और अपने उम्मीद साहब के दरबार में जाते हैं और लालनाथ के दरबार में जाते हैं। ये किस लिए जाते हैं? ये हरियाणा का भला करने के लिए जा रहे हैं या अपने लोगों की जैम बनने के लिए जा रहे हैं?
संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन हरियाणा की आवाज और मंच जो जनहित के मुद्दे लगातार उठाता रहा है, एक बार फिर से आज जो हमने मुद्दा उठाया है वो मुद्दा है कि लॉबिंग के लिए नेताओं के पास वक्त है, लेकिन जनता के विकास के लिए भी क्या इन नेताओं के पास वक्त है? क्या ये जनता के विकास है? बिल्कुल। तो आज हरियाणा की आवाज में जिस मुद्दे को हमने उठाया था, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़े, कमोबेश एक ही राय बनती नजर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से या यूं कहें कि लोकसभा चुनाव में जो दावे और वादे किए थे उसको सोचकर ही जनता ने वोट दिया, लेकिन जो उनके सांसद हैं वो उन दावों और वादों पर खड़े नहीं उतरे हैं। बिल्कुल। तो चलिए फिलहाल हरियाणा की आवाज पे इतना ही, लेकिन प्रदेश के तमाम बड़े